टिन्नू नाम का एक मेंढक था। एक दिन उस मेंढक को ना जाने क्या सूझा, उसने लंबी छलांग लगाई और पानी से बाहर आ गया। वह चिल्लाया, पानी में रहना भी कोई रहना हुआ, हमेशा गीले रहो। मैं एक काम करता हूँ, अपने लिए एक नया बसेरा खोजता हूँ जहाँ मुझे कोई परेशानी ना हो। चलता चलता टिन्नू मेंढक एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में एक शेर था। मेंढक शेर से बोला, महाराज महाराज, आपका बसेरा तो बहुत बढ़िया है। मेंढक की बात सुनकर शेर इतराया और कहने लगा, तुम चाहो तो जहां रह सकते हो। शेर की बात सुनकर मेंढक बहुत खुश हुआ और टिन्नू मेंढक गुफा में रहने लगा। वह कुछ ही देर में उबता गया। शेर हर समय गुर्राता जो रहता था। उसके बाद मेंढक आगे बढ़ गया और वह एक बिल में जा पहुंचा। बिल में चूहा रहता था। मेंढक चूहे से बोला, वाह वाह, आपका बसेरा तो बहुत बढ़िया है। मेंढक की बात सुनकर चूहा इतराया और कहने लगा, तुम चाहो तो जब तक मेरे बिल में रह सकते हो। मेंढक खुशी खुशी चूहे के साथ रहने लगा, लेकिन मेंढक कुछ ही देर में उबता गया, क्योंकि चूहा हर समय कुछ ना कुछ कुतरता रहता था, इधर उधर दौड़ता रहता था। मेंढक चूहे के बिल से निकलकर आगे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे मीनू चिड़िया मिली। चिड़िया अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। मेंढक ने चिड़िया से कहा, वाह वाह, तुम्हारा बसेरा तो बहुत बढ़िया है। मीनू चिड़िया बोली, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। चिड़िया की बात सुनकर मेंढक बहुत खुश हुआ और बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो मेरे घोंसले में आराम कर सकते हो। मैं दाना लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी। इतना कहकर मीनू दाना लेने घोंसले से चली जाती है और मेंढक आराम करने लगता है। तभी चिड़िया का बच्चा ची ची करने लगता है। मेंढक को परेशानी होने लगी। इतने में मीनू भी आ गई। मेंढक ने चिड़िया से कहा, मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। अब मैंने जान लिया है कि अपना बसेरा ही सबसे अच्छा होता है। इतना कहकर मेंढक वहाँ से वापिस चला गया और उसी तालाब में रहने लगा जहाँ से वो नया बसेरा ढूंढने निकला था। अब उसे समझ आ गया था कि कैसा भी हो अपना घर ही अच्छा होता है।